अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जैन और मेरे वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपके 1500 से 2000 कैसे बचाए जा सकते हैं। तो आज मैं आपको वीडियो में सिखाऊंगा कि चाइना फिटिंग कैसे लगाई जाती है कमोड के अंदर, और जिसके लगाने के प्लम्बर आपसे 1500 से 2000 रुपया डिमांड करता है, और वो आप कैसे बचा सकते हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है कि कमोड की फिटिंग के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक होता है सैफन, एक होता है बारगोला और एक होता है पुश। ये तीनों चीजें मिला के एक फिटिंग बनती है। जी ये देखें, मैं सबसे पहले इसके अंदर बारगोला लगाने लगा हूं, क्योंकि सबसे पहले बारगोला ही लगता है। ये देखें, इसके नीचे चूड़ी मैं इसके लगा रहा हूं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये लग गया। अब दूसरे नंबर पे हम सैफन लेंगे। जब हम ऊपर से हम खोलेंगे सैफन को, भाई कट गया। अब हम ये सैफन अंदर शिफ्ट करने लगे हैं। ये देखें, अब इसके अंदर हम इसको ये टाइट कर देंगे। अब इस आपने ये लगाते हुए बिल्कुल एहतियात करनी है कि ये फुल अच्छी तरह से टाइट हो, वरना ये पानी ब्लॉक नहीं करेगा, वरना आपका पानी ड्रेन होता रहेगा, फिर आपको कंप्लेन आएगी कि भाई आपने गलत बताया है। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि उसको आपने अच्छी तरह से टाइट करना है। जी ये अच्छी तरह से टाइट हो गया। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं जिसका सैफन पानी ड्रेनर। जी ये लग गया। अब उसके ऊपर हम इसका वॉल लगा देंगे। अब हमने पुश बटन ले लिया। अब इसका आपने ध्यान रखना है, जैसे आपकी टैंकी का डिजाइन की वजह से पता चलता है कि आपकी टैंकी का टैंकी बड़ी है कि छोटी है, तो उसकी साइड से आपने इसकी ये जो नीचे जो स्टिक्स लगी हैं इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, छोटी बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि मैंने सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर आपके सामने फिटिंग इसके अंदर लगा चुका हूं। अगर कोई और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और फॉलो मुझे जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो, फिटिंग चाहिए हो, कोई भी सेंट्री का सामान चाहिए हो, तो आपको मैंने लिंक में नीचे अपना एड्रेस दे दिया है।